देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पायल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। योगीराज में कर्ज माफी योजना के बाद अब सरकार ने दोबारा कर्ज माफी योजना के लिए छोटे किसानों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। अब जिला स्तर पर किसान हेल्प डेस्क खोली गई है, जहां किसान कर्ज माफी योजना से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस हेल्प डेस्क के जरिए भारी संख्या में किसानों का ध्यान खींचा जा रहा है। अभी तक जिले में 748 किसानों के आवेदन आए हैं। इन्हें ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद सत्यापन के लिए तहसील को भेजा जाएगा। इनमें से जो भी किसान पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उनको फसल ऋण माफी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी उत्तर प्रदेश के उरई जिले में दर्जनों गौशालाएं अधूरी पड़ी हैं, जो प्रशासन की अन्य समस्या से निपटाने की तमाम तैयारियों पर पानी फेरती नजर आ रही है। स्थिति ये है कि एक तरफ जहां किसान अन्ना से परेशान होकर रात भर जागने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक उदासीनता की वजह से कई छोटी बड़ी गौशालाएं बंद पड़ी हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही किसानों की आय को बढ़ाने के मकसद से एक बहुत बड़े फैसले की घोषणा करने वाली है। भाजपा के किसान सेल के प्रमुख वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसानों की कर्ज माफी को स्थायी समाधान ना मानते हुए इसकी संभावना खारिज की, लेकिन कहा कि इस साल बजट में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। शून्यकाल में आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए प्रदेश में किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की मांग की है। बेनीवाल ने मांग की है कि प्रदेश सरकार बिना राइडर के 2 लाख तक का कर्ज किसानों का ऋण माफ करे और संपूर्ण ऋण माफी के लिए प्रदेश से प्रस्ताव बनाकर खुद और भाजपा विधायकों सहित दिल्ली की मोदी सरकार को सौंपे। गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में डेरा डाले किसानों ने अपना मुंडन करा लिया। किसानों का कहना है कि सरकार मर चुकी है, इसके बाद उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। साथ ही सरकार को धमकी भी दी कि अगर शासन प्रशासन का किसानों के प्रति यही रवैया रहा तो उन्हें मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार को किसान की उपेक्षा भारी पड़ेगी। धरने पर बैठे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात तक करने नहीं आया है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। हल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।